देश में लॉकडाउन जारी है और कोरोना से जंग में भारत इसकी वजह से दुनिया के अन्य देशों से काफी आगे है। ऐसे में कोई एक गलत कदम या चूक भारत की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। इसके लिए सरकारें सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही हैं, लेकिन इस दौरान भी कई लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा यूपी के रामपुर में देखने को मिला, जहां जब डीएम ने लॉकडाउन का जायजा लिया तो उनके होश उड़ गए। अधिकारी उनकी नाक के नीचे ही लापरवाही बरत रहे थे। फिर क्या था, डीएम संबंधित अधिकारियों पर बुरी तरह से भड़क गए और जमकर लताड़ लगा दी। यही नहीं, डीएम अंजनेय कुमार सिंह ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अब से लापरवाही हुई तो जेल भेज देंगे। मामला रामपुर के कस्बा बिलासपुर का है, जहां डीएम लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए चुपके से प्राइवेट वाहन से जा पहुंचे और वहां की स्थिति देखकर जिलाधिकारी महोदय आग बबूला हो गए। फिर देखिए कैसे अधिकारियों की उन्होंने क्लास लगा दी। नहीं, वो इफेक्ट खत्म हो जाए, कर रहे हो जा। आप इसका मतलब कि यहाँ कर आएंगे? हैं? आप इतना जब फायर आएगा, आप इतना जब फायर होगी, बस्तारी धाराओं में फायर होगी, होम डिलीवरी अगर नहीं हुई, बिल्कुल होगी। आपको मैं जेल के अंदर छोड़ूंगा। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। आप जैसे कहूँगा होम डिलीवरी आपकी वजह से नहीं हो रही है। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। बीस माड़ी कर आपकी ऑफिस कितने बजे खुलती है? ऑफिस में कितने बजे खुलती है आपकी? कल बजे खुलती है, तभी आपको कौन सा रिपोर्ट जमा करके शिवराशी को लेके आगे ऑफिस को तमाशा बना रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।